मेरे प्यारे देशवासियों, मैं पांचवी प्राण शक्ति की बात करता हूं और वो पांचवी प्राण शक्ति है नागरिक का कर्तव्य। दुनिया में जिन जिन देशों ने प्रगति की है, जिन जिन देशों ने कुछ अचीव किया है, व्यक्तिगत जीवन में भी जिसने अचीव किया है, कुछ बातें उभर करके सामने आती हैं। एक, अनुशासित जीवन। दूसरा, कर्तव्य के प्रति समर्पण। व्यक्ति की जीवन की सफलता हो, समाज की हो, परिवार की हो, राष्ट्र की हो, ये मूलभूत मार्ग है, ये मूलभूत प्राण शक्ति है। और इसलिए हमें कर्तव्य पर बल देना ही होगा। ये शासन का काम है कि बिजली 24 घंटे पहुंचाने के लिए प्रयास करे, लेकिन ये नागरिक का कर्तव्य है कि जितनी ज्यादा यूनिट बिजली बचा सकते बचाएं। हर खेत में पानी पहुंचाना सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार का प्रयास है, लेकिन पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पानी बचाते हुए आगे बढ़ना, मेरे हर खेत से आवाज उठनी चाहिए। केमिकल मुक्त खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, ये हमारा कर्तव्य है। साथियों, चाहे पुलिस हो या पीपल हो, शासक हो या प्रशासक हो, ये नागरिक कर्तव्य से कोई अछूता नहीं हो सकता है। हर कोई अगर नागरिक के कर्तव्यों को निभाएगा तो मुझे विश्वास है कि हम इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने में समय से पहले सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज महर्षि अरविंदो की जन्म जयंती भी है। मैं उस महापुरुष के चरणों में नमन करता हूं, लेकिन हमें उस महापुरुष को याद करना होगा जिन्होंने कहा था, स्वदेशी से स्वराज, स्वराज से सुराज, ये उनका मंत्र है। हम सबको सोचना होगा कि हम कब तक दुनिया के और लोगों पर निर्भर रहेंगे। क्या हमारे देश का अन्न की आवश्यकता हो, हम आउटसोर्स कर सकते हैं क्या? जब देश ने तय कर लिया कि हमारा पेट हम खुद भरेंगे, देश ने करके दिखाया कि नहीं दिखाया? एक बार संकल्प लेते हैं तो होता है दोस्त। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत, ये हर नागरिक का, हर सरकार का, समाज के हर इकाई का ये दायित्व बन जाता है। ये आत्मनिर्भर भारत ये सरकारी एजेंडा, सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये समाज का जन आंदोलन है जिसे हमें आगे बढ़ाना है। मेरे साथियों, आज जब ये बात हमने सुनी, आजादी के 75 साल के बाद जिस आवाज को सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे थे, 75 साल के बाद वो आवाज सुनाई दी है। 75 साल के बाद लाल किले पर से तिरंगे को सलामी देने का काम पहली बार मेड इन इंडिया तोप ने किया है। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको ये बात, एक आवाज उसे नई प्रेरणा, ताकत नहीं दी? और इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आज मेरे देश के सेना के जवानों का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मेरी आत्मनिर्भर की बात को संगठित स्वरूप में, साहस के स्वरूप में, मेरी सेना के जवानों ने, सेना नायकों ने जिस जिम्मेवारी के साथ कंधे पे उठाया है, मैं उनको जितनी सैल्यूट करूं उतनी कम है दोस्त। उनको आज मैं सलाम करता हूं।
क्योंकि सेना का जवान मौत को मुट्ठी में लेकर के चलता है, मौत और जिंदगी के बीच में कोई फासला ही नहीं होता है, और तब बीच में वो डट करके खड़ा होता है और वो मेरा सेना का जवान तय करे कि हम 300 ऐसी चीजों अब लिस्ट करते हैं जो हम विदेश से नहीं लाएंगे हमारे देश की। ये संकल्प छोटा नहीं है, मुझे इस संकल्प में भारत के आत्मनिर्भर भारत के उज्ज्वल भविष्य के वो बीज मैं देख रहा हूं जो इस सपने को वटवृक्ष में परिवर्तित करने वाले हैं।